जी अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, लेटेस्ट एजुकेटर जॉब्स 2022 जो कि अनाउंस में हैं उनकी डिटेल्स के साथ एक दफ़ा फिर मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूं। और ऑनलाइन एजुकेशन पीके की जानिब से आप सबको खुश आमदीद कहता हूं। जो रेगुलर एजुकेटर जॉब्स हैं पंजाब के, उनके हवाले से लेटेस्ट अपडेट्स भी मैं इस वीडियो में आपके साथ शेयर करूँगा इंशाल्लाह। लेकिन उससे पहले अभी जो जॉब्स अनाउंस हुए हैं टीचिंग जो कि जॉब्स हैं टीचिंग जॉब्स हैं एजुकेटर जॉब्स 2022 के लेटेस्ट अपडेट्स हैं वो आपके साथ शेयर करने हैं। तो रेगुलर जॉब से पहले ये भी एक अच्छा मौका है आपके लिए, आप इसमें अप्लाई करें, आपको एटलीस्ट एक्सपीरियंस होगा टेस्ट के हवाले से, इंटरव्यूज़ के हवाले से, और आपको आइडिया मिलेगा कि जो आपकी नॉलेज है सब्जेक्ट से रिलेटेड वो किस हद तक है, और आपको जो है वो मज़ीद कौन से टॉपिक्स और कौन सी चीज़ों में मेहनत की ज़रूरत है, इंप्रूवमेंट की ज़रूरत है। तो मेरा पर्सनल सजेशन यही है कि आप ऐसे तमाम कैंडिडेट जो कि रेगुलर एजुकेटर जॉब्स के लिए ख्वाहिशमंद हैं, उसमें जॉब करना चाहते हैं, उसमें अप्लाई करना चाहते हैं, तो इन जॉब्स में ज़रूर अप्लाई करें। आप चलते हैं इसके डिटेल की जानिब से। जो पब्लिश डेट है वो 9/4/2022 को ये जॉब्स अनाउंस हुए हैं। कैटेगरी या सेक्टर की बात करें तो पाकिस्तान के गवर्नमेंट जॉब्स हैं, जॉब टाइप गवर्नमेंट है, और क्वालिफिकेशन इसके जो हैं वो MPhil, मास्टर या MS आपके पास होना चाहिए रिलेटेड सब्जेक्ट्स में। उसमें काफ़ी ज़्यादा सब्जेक्ट्स के पोस्ट हैं, वो नीचे हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। और मल्टीपल जो पोस्ट हैं मतलब उसके वैकेंसीज काफ़ी ज़्यादा हैं, तो एक बेहतरीन मौका है तमाम कैंडिडेट्स के लिए जो कि एजुकेटर्स के जॉब्स के हवाले से इंटरेस्टेड हैं। इसके साथ साथ ऑनलाइन एजुकेशन पीके पर आप इस तरह के तमाम लेटेस्ट अपडेट्स हासिल कर सकते हैं। इसके लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, और आप हमारे व्हाट्सएप, फेसबुक, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, और आप हमें ट्विटर पे भी ज्वाइन कर सकते हैं ऑनलाइन एजुकेशन पीके। उनके तमाम के लिंक्स इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएंगे, इसे अपने तमाम दोस्तों के साथ भी शेयर करें। अब हम चलते हैं लेटेस्ट वैकेंसी इन आर्मी पब्लिक स्कूल जॉब्स जो कि टीचिंग जॉब्स हैं 2022 के एडवर्टाइजमेंट इसके 9 अप्रैल को इशू हुआ है। तो अगर सब्जेक्ट्स की हम बात करें तो इसमें कंप्यूटर साइंस टीचर्स हैं, इंग्लिश टीचर है, फाइन आर्ट्स टीचर, इस्लामियात टीचर, और लाइब्रेरियन, मैथमेटिक्स टीचर और म्यूज़िक टीचर के वैकेंसीज हैं। और इसके साथ साथ पाक स्टडी टीचर और उर्दू टीचर के भी वैकेंसीज हैं। ये टीचिंग जॉब्स हैं एजुकेटर जॉब्स 2022 के, आप इनमें अप्लाई कर सकते हैं। और गवर्नमेंट जॉब में भी ओनली आपने अप्लाई किस तरह से करना है, हाउ टू अप्लाई फॉर APS आर्मी पब्लिक स्कूल इस्लामाबाद जॉब्स 2022, तो उसकी डिटेल कुछ इस तरह से हैं। आप कैन सेंड देयर अपडेटेड रिज्यूमे टू द प्रिंसिपल सीनियर विंग APS डिफेंस कॉम्प्लेक्स सेक्टर E10 इस्लामाबाद। तो जो एड्रेस दिया गया है, आपने अपने अपडेटेड रिज्यूमे जो कि है एक प्रोफेशनल अंदाज में रिज्यूमे आपका बना होना चाहिए, और उसमें आप अपने तमाम डिटेल्स ऐड कर सकते हैं, जॉब एक्सपीरियंस ऐड कर सकते हैं। इस हवाले से अगर आपका कोई इशू हो तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर पूछ सकते हैं। तो दिया गया एड्रेस है प्रिंसिपल सीनियर विंग APS आर्मी पब्लिक स्कूल डिफेंस कॉम्प्लेक्स सेक्टर E10 इस्लामाबाद में आपने सेंड करने हैं। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स शुड बी प्रोड्यूस्ड एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू, जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स आपके होंगे वो इंटरव्यू के वक्त आपके साथ होंगे चाहिए। ओनली सिलेक्टेड कैंडिडेट्स कॉल फॉर एन इंटरव्यू, तो जो आपके रिज्यूम भी होगी उस बेस पे आपके जो जायजा लिया जाएगा, हो सकता है आपसे टेस्ट भी लिया जाए, उसके बाद शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट्स को इंटरव्यू के लिए कॉल किया जाएगा। तो इसमें वैकेंसीज काफ़ी ज़्यादा हैं, आप लोग इसमें लाजमी अप्लाई करें, ये एक बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है, एक अच्छा मौका है। और मजीद अगर हम इसमें डिटेल की बात करें तो नो TA/TA शैल बी एडमिसिबल टेस्ट और इंटरव्यू के लिए, कोई TA/TA नहीं दिया जाएगा। लास्ट डेट फॉर सबमिशन ऑफ द रिज्यूम इज 13/4/2022, तो लास्ट डेट जो है वो 13/4/2022 से, यानी 13 अप्रैल 2022 है। तो आप बगैर लेट किए जो है इस पर अप्लाई करते हैं। अगर आपका कोई सवाल है, कोई कन्फ्यूजन है, तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर पूछें। अब हम चलते हैं इसके एडवर्टाइजमेंट की जानिब से, जो कि आप इस वक्त अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। आई होप आपको क्लियर होगा, अगर कोई इशू है तो आप जो है वो पूछ सकते हैं या मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, मैं आपको ये इसके लिंक सेंड कर देता हूँ। और इस एड का लिंक जो है वो मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी पेस्ट कर देता हूँ, यहाँ पे आप देख सकते हैं। आर्मी पब्लिक स्कूल डिफेंस कॉम्प्लेक्स इस्लामाबाद GCI फैकल्टी रिक्वायर्ड, एप्लीकेशन जो हैं आर इनवाइटेड फ्रॉम इंटरेस्टेड क्वालिफाइड एंड एक्सपीरियंस कैंडिडेट फॉर ऑल सब्जेक्ट्स अगेंस्ट द बिलो मेंशन लेवल। तो जैसे कि तमाम डिटेल हम इसमें चेक कर चुके हैं, कंप्यूटर साइंस, उर्दू, इंग्लिश, फाइन आर्ट्स, मैथ, इस्लामिया और पाक स्टडी, म्यूजिक टीचर जो हैं इसके वैकेंसीज हैं। एज लिमिट जो है वो 22 से 45 साल आपके होनी चाहिए, तो एज रिलैक्सेशन के हवाले से भी ये एक बेहतर अपॉर्चुनिटी है ऐसे तमाम कैंडिडेट्स के लिए जो कि ओवर एज हो चुके हैं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, आपके मास्टर डिग्री, MPhil और MS इन रेलेवेंट सब्जेक्ट होने चाहिए फ्रॉम HEC रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, एक्सपीरियंस मिनिमम 2 ईयर होना चाहिए टीचिंग एक्सपीरियंस इन वेल रेपुटेड स्कूल, क्योंकि प्राइवेट भी हो सकता है और पब्लिक भी हो सकता है। तो अगर आप पब्लिक जो है वो टीचर नहीं है तो प्राइवेट सेक्टर में टीचिंग जॉब करते हैं तो भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं, और उसमें आप अपना एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट उस रिलेटेड स्कूल के हवाले से जहाँ पे आप पढ़ाते हैं आप ज़रूर उसमें पेश कर सकते हैं, इसमें कोई इशू नहीं है और कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। लाइब्रेरियन की जो एज है वो 25-40 होने चाहिए, और MLIS की आपके पास डिग्री होनी चाहिए विद एक्सपीरियंस ऑफ मैनेजिंग स्कूल लाइब्रेरी, जो कि आपके पास प्राइवेट और पब्लिक दोनों सेक्टर के हो सकते हैं। बाकी टर्म्स ऑफ कंडीशन हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, लास्ट डेट अप्लाई करने की 13 अप्रैल है 2022, और आपने जो तमाम डिटेल हैं वो इस एड्रेस पे और मी पब्लिक स्कूल डिफेंस कम्प्लेक्स EH इस्लामाबाद और फोन नंबर पर सेंड करना है। इसके अलावा जो ऑफिशियल वेबसाइट है www.apsdci.edu.pk भी आप मज़ीद मालूमात या इंफॉर्मेशन के लिए विजिट कर सकते हैं। आप सबके लिए नेक तमन्नाएं और नेक ख्वाहिशात, अल्लाह ताला आप सबको कामयाब करें और आपके लिए आसानियां पैदा करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़।